हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बीटेक बाबा में। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं हमारी पहचान जो कि एक एनजीओ है के द्वारा लॉन्च समर इंटर्नशिप 2002। ये इंटर्नशिप कम्प्लीटली फ्री है, साथ में पर्क्स भी अवेलेबल है, जैसे आपको LOR इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हो एंड साथ में आप स्कूलिंग या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या आप डॉक्टरेट कर चुके हो या कर रहे हो और आप किसी भी स्पेशलाइजेशन से हो, ब्रांच से हो, तो आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आप अगर सोशल वेलफेयर में इंटर्नशिप करना चाहते हो, सोशल सर्विस में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये एनजीओ सोशल सर्विस से रिलेटेड काम करती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये इंटर्नशिप कौन कौन सी लॉन्च की गई है एंड आप इंटर्नशिप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटर्नशिप, फ्री कोर्सेज, फ्री सर्टिफिकेट, प्लेसमेंट्स वीडियो, एक्सपीरियंस वीडियोज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट से लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हमारी पहचान एनजीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो थोड़ा सा मैं आपको इस एनजीओ के बारे में बताता हूँ। तो ये एनजीओ बेसिकली हेल्थ, सैनिटेशन, वुमन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड चाइल्ड एजुकेशन जैसे सोशल सर्विसेज में काम करता है, सोशल वेलफेयर में काम करता है। और ये एनजीओ लास्ट 6 साल से काम कर रहा है इन सब सोशल सर्विसेज के लिए, और इसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स है वो ज्वाइन कर चुके हैं और इसके सोशल मीडिया पर भी अच्छे खासे फॉलोअर्स है। एंड इस एनजीओ के बारे में आपको और डिटेल में जाना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, जहाँ से आप इस साइट पे आके और डिटेल में जान सकते हो कि एनजीओ करता क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इस एनजीओ के द्वारा लॉन्च इंटर्नशिप के बारे में। तो इस एनजीओ ने यहाँ पे बेसिकली 2 इंटर्नशिप लॉन्च की है। पहले इंटर्नशिप है इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट्स फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि है स्पेशल वॉलेंटियरिंग कम इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो ये वॉलेंटियरिंग कम इंटर्नशिप प्रोग्राम है बेसिकली। एंड ये जो इंटर्नशिप है वो कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम है, यानी ऑनलाइन इंटर्नशिप है। आपको ऑनलाइन ही इस इंटर्नशिप में यहाँ पे ज्वाइन करना है एंड इमीडिएटली। तो अगर आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई करते हो, आप सेलेक्ट हो जाते हो, एलिजिबल होते हो, तो इस इंटर्नशिप को आज से ही आप शुरू कर सकते हो। एंड ड्यूरेशन यहाँ पे इंटर्नशिप का 1 मंथ है, यानी 1 मंथ तक इस इंटर्नशिप को आप कंप्लीट कर सकते हो। स्टाइपेंड आपको कोई नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे सोशल सर्विस कर रहे, वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा एंड साथ में कुछ पर्क्स है जिसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एंड यहाँ पे है, ये पार्ट टाइम भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको फुल टाइम करना है। आपकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हो। इंटर्नशिप का जो प्रोफाइल रहेगा वो रहेगा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जो आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे हमारी पहचान एनजीओ के बारे में दे रखा है, जो आप यहाँ से गुथरू कर सकते हो। एंड इसमें यहाँ पे जो वर्क फ्रॉम होम आपकी जो इंटर्नशिप है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है डे टू डे, उसमें आप पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो वो आप पे डिपेंड करता है। तो पहला आपका है सोशल मीडिया कैंपेनिंग, तो आपको जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं सोशल मीडिया कैंपेन से रिलेटेड, उन पे आपको करना है, आप क्या वर्क कर सकते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, समझना है कि एक्टिविटीज़ कैसे आपको बूस्ट करनी है ताकि लोग और से ज़्यादा इस कैंपेन के बारे में जान सके। एंड जो बड़े इम्पैक्ट है ताकि लोगों पे क्रिएट हो, एक एनजीओ का जो प्रोजेक्ट है उसका, जो ऑनगोइंग इनिशिएटिव है उसका, एक बड़ी से पब्लिक पे ये मैसेज जाना चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आप पहला आप यहाँ पे सोशल मीडिया कैंपेनिंग करना पड़े, उसके बाद यहाँ पे आपको रिसर्च एंड सजेशन, तो आप रिसर्च कर सकते हो रिलेटेड टू, जिसमें आप राइटिंग स्किल्स में भी डेवलप कर सकते हो। फिर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे करें और उसी टाइम पे कैंडिडेट की जो बिल्डिंग है उसकी स्ट्रेटजी है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। और आपको इसके बारे में और डिटेल में देखना है तो आप यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हो, तो इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे है कंटेंट राइटिंग, तो आपका जो कंटेंट है ओरिजिनल होना चाहिए एंड ये पब्लिश होगा हमारी पहचान एनजीओ की वेबसाइट पे एंड साथ ही साथ जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर। एंड उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इसमें एडवोकेसी, रिसर्च, एक्टिविज्म, नेटवर्किंग, ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्स ऑफ द बिल्डिंग प्रोजेक्ट विल बी लर्न, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आपको एक टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ प्रमोशन ऑफ योर प्रोजेक्ट फॉर ए वाइडर रीच टू पब्लिक, हैंस वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट फ्रॉम द वेरी ग्रास रूट लेवल टू एजुकेशन। तो आप एकदम बेसिक से प्रोजेक्ट शुरू करोगे और एक परफेक्ट एजुकेशन तक ले जाओगे, तो उसके लिए आपको काफ़ी प्रमोशन भी मिलेगा एंड आपको फंड भी जुटाना पड़ेगा प्रोजेक्ट के लिए। एंड ईमेल अप्रोच, तो आपको रिसर्च एंड ईमेलिंग वर्क है वो आपको ऑथोराइज कंसर्न ऑथोराइज है जो सोशल पर्पज के लिए, उनके लिए आपको ईमेल के थ्रू यहाँ पे अप्रोच करना पड़ेगा। तो पर्क्स में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप मिलेगा, जो आपको इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे, आपका 1 मंथ का अच्छा रहा तब आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। रिवार्ड में आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपको रिवार्ड मिल सकता है। तो जैसे पहला है LOR, तो टू द इंटर्न्स परफॉर्मिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं इंटर्न्स स्टूडेंट वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा यहाँ पे हमारी पहचान एनजीओ की तरफ से। तो आप फ्रेंड्स, अगर आपको LOR मिलता है उसकी बहुत वैल्यू है।
तो आपको ये करना चाहिए। उसके बाद है सर्टिफिकेशन ऑफ एसोसिएशन, तो जो भी टॉप परफॉर्मर रहेंगे उस मंथ के उनको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए एसोसिएशन मिलेगा एस एनजीओ से जुड़ने का। एंड उसके बाद आपको आईडी कार्ड मिलेगा। अगर ये आईडी कार्ड तब मिलेगा जब आपको काम करने के लिए बाहर जाना पड़े, तो उसके लिए आपको एक अप्लीकेशन फिल करना पड़े, साथ में एक रीजन देना पड़े, तब आपको आईडी कार्ड मिलेगा। एंड एक गुडीज हैम्पर, तो जो टॉप परफॉर्म रहेंगे मंथ के उनको यहाँ पे गुडीज हैम्पर भी मिलेगा। तो अब हम फ्रेंड्स दूसरे इंटर्नशिप के बारे में देख ले, तो ये है चैरिटी वीक इंटर्नशिप जो कि वर्क फ्रॉम होम है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अवेलेबल नहीं हो, आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंटर्नशिप करना है, तो इसका ड्यूरेशन एग्जैक्टली 1 वीक का है। एंड यह इंटर्नशिप भी यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा एंड अनपेड होने वाली है। और इंटर्नशिप ये पार्ट टाइम आप कर सकते हो, यानी पार्ट टाइम आप जितना आपकी अवेलेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारी पहचान एनजीओ के बारे में दे रखा है जिसको आप डीपली गो थ्रू कर सकते हैं। एंड अबाउट द वर्क फ्रॉम होम और इंटर्नशिप, तो आपकी डे टू डे रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी वो यहाँ पे दे रखा है। तो आप एक फंड रेजिंग कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, यानी आप हमारी पहचान के लिए किस तरह से आप फंड रेज कर सकते हो उसके लिए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। फिर आप सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप पे प्रमोट कर सकते हो हमारी पहचान को, आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट से, फ्रेंड्स को बता सकते हो, स्कूल कॉलेजेस में बता सकते हो कि हमारी पहचान क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वॉलंटियर्स को आप कॉल कर सकते हो, मैसेज सर्कुलेट करते हो सारी डिटेल्स। एंड आप अवेयरनेस बता सकते हो, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो कि एनजीओ क्या करता है, जो बंदे सिलेक्टेड हुए, जो इंटर्न्स यहाँ पे हायर किए, एंड आपकी जो स्किल्स एंड इंटरेस्ट आपकी डेवलप किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको एक सर्कल भी मिलेगा जो रियल में सोशल वर्क काम करता है, हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा। एंड बक्स में क्या है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी आप अगर 1 वीक करते हो तो आपको इस एनजीओ का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड फ्लेक्सिबल विथ आर, तो जैसे जैसे आपको अवेलेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड एडिशनल इंपोर्टेंस, तो LOR शैल बी ग्रांटेड टू एक्सपेशली वेल परफॉर्मिंग कैंडिडेट, जो स्टूडेंट टॉप परफॉर्मर रहेंगे उनको ही यहाँ पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ ओपनिंग, तो नंबर ऑफ ओपनिंग यहाँ पे टोटल 5000 स्टूडेंट यहाँ पे इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते, तो काफी बड़ा नंबर है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई करते। अब हम देख लेते हैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करते। फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए आपको गूगल फॉर्म पे आना है हमारी पहचान एनजीओ का, तो इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलकम टू हमारी पहचान एनजीओ। तो एक यहाँ पे ध्यान रखना कि आप एक टाइम पे एक ही इंटर्नशिप कर सकते हो, आप दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते, अदरवाइज आपकी इंटर्नशिप कैंसिल हो जाएगी। एंड अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप पहले कर ली है अगर इसी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको 14 डेज का गैप रखना, उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी जो भी रिक्वायरमेंट है। तो पहले आप देख सकते हो ईमेल, उसके बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड अप्रोच थ्रू। तो आप अगर यूट्यूब से देख के आए हो तो आपको यहाँ यूट्यूब लिख देना है एंड यहाँ पे आपको नाम डाल देना, मेरा डाल सकते हो, अदरवाइज आप यूट्यूब कर देना। एंड उसके बाद यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी यू है अप्लाई टू चैरिटी ड्राइव इंटर्नशिप करना है या आपको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इंटर्नशिप, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है उसमें आपको अप्लाई कर देना है। हैव यू प्रीवियसली इंटर्न विद हमारी पहचान एनजीओ, अगर आपने हमारी पहचान एनजीओ में पहले भी इंटर्नशिप की है तो आपको यस कर देना, अदरवाइज आप पहली बार कर रहे हो आपको नो कर देना। एंड यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना, आपका जो भी एड्रेस है नेटिव एड्रेस, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर एंड उसके बाद लेटेस्ट क्वालिफिकेशन। तो अगर आप सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन कर चुके हो तो आपको यहाँ पे इसको राइट क्लिक करना है, अदरवाइज आप ग्रेजुएशन पे क्लिक कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। और इसके अलावा आपकी कोई भी डिग्री है तो आप यहाँ पे अदर में मेंशन कर सकते हो। एंड उसके बाद आप जिस कॉलेज स्कूल से कर रहे हो उसका यहाँ पे नाम होना चाहिए, कोर्स एंड ईयर, तो आप किस कोर्स से कर, वैसे ये कंपलसरी नहीं है बट आप कर सकते हो, ये भी डिटेल फिल कर सकते हो कि आप किस कोर्स से कर रहे हो एंड ईयर कौन सा। उसके बाद आपका फादर्स का नाम एंड फादर्स की क्वालिफिकेशन एक्यूपेशन क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करना। उसके बाद आपका मदर्स का नाम, मदर्स की क्वालिफिकेशन एक्यूपेशन एंड आपकी हॉबीज क्या क्या है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन यू कैन मेक फॉर द एनजीओ इन फ्यूचर, तो आप इस एनजीओ में किस तरह कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, तो आपको एक या दो लाइन में ये आंसर लिखना है। लास्ट में एट द सेम टाइम एनजीओ वॉन्ट टू हेल्प आउट देयर वॉलेंटियर्स, वुड यू लाइक एनजीओ टू हेल्प यू विद फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो अगर आप इस वॉलेंटियर्स में जो हेल्प कर रहे हैं उसमें आप इंटरेस्टेड हो तो आपको यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। अगर आपको श्योरिटी नहीं है आप मे भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनली सबमिट कर देना। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पहचान एनजीओ के द्वारा लॉन्च समर इंटर्नशिप के बारे में, होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एंड इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।